और अब खबर राजस्थान से, जहां नई बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में पर्यटन और धार्मिक स्थलों को लेकर के एक राशि आवंटित किया और वो बड़ी राशि है। उसमें सबसे अहम है खाटू श्याम धाम, जहां काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनाए जाने का ऐलान किया गया है, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राजस्थान की सत्ता में वापसी के बाद भजन लाल शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया और राज्य की नई डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बनी दिया कुमारी का भी ये पहला बजट था। दिया कुमारी ने अपने बजट में बेशुमार ऐलान किए। बजट में राज्य के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन के लिहाज से कई बड़े ऐलान किए। इसके तहत राजस्थान के 30 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान सरकार नई पर्यटन नीति भी लाने की तैयारी कर रही है, साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। लेकिन इस बजट में जो सबसे अहम ऐलान था वो था खाटू श्याम जी को लेकर। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि खाटू श्याम जी मंदिर परिसर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा। हर साल लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी का दर्शन करने आते हैं। सीकर जिले में जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर खाटू श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा खाटू श्याम जी विकास एवं मंदिर के दर्शनार्थी की सुविधा हेतु जनहित में 100 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीएम श्री भजनलाल जी शर्मा एवं डिप्टी सीएम हमारे दिया कुमारी जी ने बहुत ही सौगात दिए खाटू श्याम बाबा को, आने वाले सभी श्याम भक्तों को सुगम दर्शन होंगे। जय श्री श्याम। खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर पर 100 करोड़ खर्च करने के ऐलान पर सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमें किसी से परहेज नहीं है, लेकिन उनकी सरकार संस्कृति के आधार पर चलेगी। आने वाले सालों में बजट में राज्य का घाटा भी कम होगा। अभी हमारी स्टार्टिंग है, मंदिरों को तो कई को किया है, लेकिन हम एक मॉडल के रूप में हमने खाटू श्याम मंदिर का जो हमने एक मॉडल बना करके, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंदिर बने हैं, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बना है, हमारे हम खाटू श्याम जी से हमने स्टार्ट किया है और आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। बजट में मंदिरों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए बड़ी रकम के प्रावधान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भजन लाल सरकार के बजट को घोषणाओं का बजट बताया है। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कोई राहत नहीं दी। किसान सम्मान निधि में भी राहत 6000 की जगह सिर्फ 3000 की दी गई है। इसी तरह सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के ऐलान के बारे में सरकार कुछ भी खुलकर बात नहीं कर रही और मंदिर कॉरिडोर बनवाने में व्यस्त है। हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करने का इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने वादा किया 2700 रुपए गेहूं का MSP देने का, मात्र 1250 रुपए बढ़ा के 2400 करके, और इन्होंने उसको छोड़ दिया। इन्होंने वादा किया किसान की सम्मान निधि 6000 रुपए बढ़ाने का, उसमें से 2000 बढ़ाने का पिछले बजट के अंदर कहा गया और 1000 रुपए ही देने का काम किया है। बचा हुआ 1000 भी 500 की दो किस्तों में ये लोग देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब राजस्थान में किसी सरकार ने किसी मंदिर पर इतने बड़े बजट प्रावधान का ऐलान किया है। देश के बड़े मंदिरों में बनाए गए कॉरिडोर की तरह ही खाटू श्याम जी के मंदिर में कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि खाटू श्याम मंदिर परिसर का विकास होने से श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।